हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। टॉपर सीरीज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो कि हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक नेम्ड रिएक्शन, आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे, विच इज नोन एज डॉज प्रोसेस। स्टूडेंट, ये एग्जाम में तीन तरीके से पूछा जाता है, बोर्ड वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी, और जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई नीट के लिए उनके लिए भी ये जबरदस्त रिएक्शन है। अगर एग्जाम में आ गया हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम इंडस्ट्रियल मेथड, तब भी आप इसी रिएक्शन को देंगे। और किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, हाउ टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल, यानी कि हैलोएरीन से फिनॉल हम कैसे बनाएंगे, और किस तरीके से पूछा जाएगा, राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन डॉज प्रोसेस। तो इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आइए हम देखते हैं बहुत ही सिंपली तरीके से होगा क्या इस रिएक्शन में। जब हैलोएरीन को ट्रीट किया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब हैलोएरीन को ट्रीट किया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो वो बनाएंगे फिनॉक्साइड आयन, और उस फिनॉक्साइड आयन का जब हम एसिडिफिकेशन कराएंगे तो हमको मिलेगा भैया क्या, फिनॉल। और फिनॉल पाने के लिए फिनॉक्साइड आयन बनाना जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हैलोएरीन। तो भैया आप सभी जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग पे कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हैलोएरीन। ठीक है भैया, इसकी रिएक्शन हमको करानी है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसकी रिएक्शन हमने करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यहां पे दो लिख दिए, क्यों लिखा अभी मैं आपको बता रहा हूं। और जब इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराए तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर लेंगे यार, तो हमने लिया 323 यानी 323 केल्विन, और 300 एटीएम लिया हमने प्रेशर भैया। ठीक है, और यहाँ पे किसकी उपस्थिति में हमने लिया, किसी की उपस्थिति हम नहीं करते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना है किसी की हम उपस्थिति लें। और बनेगा क्या हमारा, बनेगा फिनॉक्साइड आयन। अब क्वेश्चन तो आपके मन में आ ही गया होगा, सर ऐसे कैसे आपने डायरेक्ट बना दिया। तो माय डियर स्टूडेंट, रटना कुछ नहीं, आप गूगल केमिस्ट्री चैनल देख रहे हो, यहाँ रटाया नहीं जाता, यहाँ सिखाया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको पता है यहाँ पे कितने एने हैं, दो एने हैं, तो हमने इसको ओपन फॉर्म में दो एने लिख लिया। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, दो दो हाइड्रोजन है, एक यहाँ एक यहाँ। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, दो, तो हमने दो ऑक्सीजन ले लिया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट हुआ क्या, बहुत ही सिंपली तरीके से ये जो क्लोरीन है ये इस सोडियम के साथ भाग गया। ठीक है भैया, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस NaCl। ठीक, अब ये जो एच है ये दोनों एच इस ऑक्सीजन को लेकर भाग गए, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस H2O। बचा क्या भैया, एक ऑक्सीजन बचा, एक सोडियम बचा, तो यार वही है ना, वही मिल गया जिसको हमको क्लास थी। तो ONA यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। तो बात आधी तो हमारी बन गई, अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में होगा भैया एसिडिफिकेशन। क्या होगा, एसिडिफिकेशन। तो कैसे होगा, HCl की उपस्थिति में होगा, और यहाँ पे क्या लेंगे, H2O+ और H। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए बहुत ध्यान से, होगा क्या भैया, यहाँ पे जब हमने एसिडिफिकेशन कराया तो बहुत ही प्यार से ये जो Na था, ये जो Na था ये इस Cl के साथ भाग गया, और हुआ क्या, माइनस NaCl। और बचा क्या, यहाँ पे O- बचा, और ये बेचारा H+ कब से इंतजार कर रहा था कि मेरी बारी कब आएगी, और हुआ क्या, बना लिया क्या, फिनॉल, जो हमारा टारगेट था। तो ये भैया इसका टारगेट पूरा हुआ, इसको हम प्यार से फिनॉल कहते हैं। तो कितनी सिंपल रिएक्शन है ये डॉज प्रोसेस, इट इज आल्सो इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। यहाँ पे हमने हैलोरिन लिया, उसकी रिएक्शन कराई भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, विच इज नोन एज बेस, और कितने टेम्परेचर पे, 323 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर पे, और फिर क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। देन सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन कराया तो हमको मिल गया फिनॉल। तो बहुत ही आसान रिएक्शन है, जेई नीट के लिए भी यार इंपॉर्टेंट, और बोर्ड के लिए भी। तो आई होप आप सभी को बहुत ही डिटेल में समझ में आया होगा, इसकी नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि टॉपर सीरीज का बस एक टारगेट आपके सपनों को पूरा करना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच यार, सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, और बोर्ड के लिए फोड़ के आना है, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक।